खबरों में बात करते हैं राजस्थान के नागौर जिले की, जहां पर मारोट कस्बे के खाकड़ती मिंडा में रात को अवैध खनन बजरी जोरों शोरों से चल रहा है। वहीं बजरी खनन के सैकड़ों ट्रैक्टर डंपर रोज भरकर बेचे जा रहे हैं। बजरी माफिया बेखौफ होकर खनन करवा रहे हैं, वहीं प्रशासन मूर्ख दर्शक बनकर तमाशा देख रहा है। मकराना शहर के गांव मंगलाना में सैन उत्थान सेवा समिति पर्वतसर के तत्वावधान में दयालपुरी महाराज बाड़मेर की संध्या में सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें 18 जोड़ों ने हिंदू रीति रिवाज के साथ अग्नि के समक्ष फेरे लिए। कुचामन शहर के दीपपुरा रोड स्थित व्यापारी मोहल्ले में लकड़ी के गोदाम में आग लगने से करीब 5 लाख रुपये का नुकसान बताया जा रहा है और आग से 4 बकरियां जिंदा जल गई। वहीं मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने घंटों की मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया, वहीं पुलिस जांच में जुटी है। खबरों में बात करते हैं कुचामन की, जहां पर ग्रामीण आंचल मगरोदा में रविवार को एक महिला का शव संगीन परिस्थितियों में मिला। वहीं फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी है। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि घर में महिला के देवर की शादी रविवार को बारात निकासी का कार्यक्रम था। शाम करीब 5:45 पर इस घटना का पता स्थानीय ग्रामीणों को चला। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच में जुट गई। दादागंज में अतिक्रमण हटाओ अभियान में अधिकारी अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दुकानदारों में अधिकारियों के प्रति आक्रोश है। व्यापारियों का कहना है कि अतिक्रमण हटाने में यहां अधिकारी पक्षपात करते नजर आ रहे हैं। कब से चालू है? कल से जी। अब तक कितनी जगह दादागंज में अतिक्रमण हटाया गया? ये बदायूं से बरेली तिराहा होते हुए बेलाडाणी को जाने वाला मेन रोड और बदायूं तिराहे से थाने तक का मेन रोड। ये किस तरीके का दुकानदारों का अतिक्रमण था सर? ये अस्थाई अस्थाई दोनों तरह के थे। नाली को पैरामीटर बना करके नगर पालिका की दोनों नालियाँ थी, उसके अंदर जिनके भी आ रहे थे निष्पक्ष रूप से उनको हटाया। ये अभियान कब तक चलेगा सर? अभी तो ये फेज इसका ख़त्म हो रहा है, आगे जहाँ जरूरत समझी जाएगी उसको पहले बता दिया जाएगा। जी सर, इस जगह को चिन्हित किया गया था पहले से अतिक्रमण हटाने के लिए? ऐसे ही अतिक्रमण हटाया, पहले चिन्हित हो गया परसों। जी सर, ये दातागंज का जो मुख्य चौराहा है, मेन रास्ता है, इस पर अतिक्रमण काफ़ी है, तो इसे क्यों नहीं हटाया? मुख्य चौराहा या मेन रास्ता जिसको आप कह रहे हो वो बाजार के अंदर का है। दातागंज के जो बाजार का वो सेटअप है, जो जी उसका स्थापना का जो तरीका है, वो इतना कंजस्टेड है कि बाजार के अंदर अतिक्रमण हटाओ अभियान नहीं चलाया जा सकता है। सारे वार्डों में बहुत लेवल पे बहुत सारी सड़कें जो हैं सब बहुत पतली हैं और उनको हटाने में बहुत मास डिस्ट्रक्शन होगा, मकान बहुत हटाने पड़ेंगे और वो जनहित में ठीक नहीं है। दातागंज के दुकानदार लोग ये कह रहे हैं कि सर ये जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है वो पक्षपात तरीके से हटाया जा रहा है, ये उनका अपना आरोप है। क्या मामला हुआ है यहाँ पर? यहाँ पर हमारे पास ये पूरी मार्केट हमारी है, वहाँ ब्लॉक से लेके और पेट्रोल पंप तक, फिर हमारे पास दुकानदार लोग गए और उन्होंने कहा कि एक पक्षीय कार्रवाई प्रशासन द्वारा हो रही है। फिर मैं आया, मैंने SDM से और CO से दोनों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की कि सर एक तरफा कार्रवाई ना करें और जो भी मेन चौराहा है सब जगह है जहाँ जाम लगता है और यहाँ तो बहुत दूर दुकानें हैं, बहुत चौड़ा रोड है, यहाँ कोई टीन वीन फंसाने की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने ज़बरदस्ती दुकानदारों का, एक हमारा पेंटर है उसका सब सामान फेंक दिया, फल वालों के फल फेंक दिए और तानाशाही तरीके से उन्होंने काम किया है। और जो हमारे सामने कोको वगैरह का अतिक्रमण, हमने कहा साहब बराबर का पैरामीटर लेके आप रखिए, एक चश्मा लगा के देखिए, तो उन्होंने कहा नहीं, वो हम अपने हिसाब से ही काम करें। क्या आपके दुकानदारों ने सड़क पर अतिक्रमण कर रखा था? अगर हमारे दुकानदार सड़क पर अतिक्रमण किया है तो अतिक्रमण के हम विरोधी नहीं हैं, हम चाहते हैं कि सफाई हो, अभियान चले, लेकिन अधिकारियों को एक चश्मा लगाना चाहिए क्योंकि अधिकारी जो हैं बहुत कायर हैं, राजनीति देख के, कुर्सी देख के और आदमी को देख के काम करते हैं। और हमारे ब्लॉक के सामने अभी लाखों रुपया लेकर इसी SDM ने अभी सब मट्टी डलवा कर वहाँ पर कम से कम 30 लाख रुपया लेकर इसी SDM दातागंज ने वहाँ पर दुकानों का निर्माण कराया है, वहाँ पर अवैध रूप से ढाबे बना लिए गए हैं, 30 लाख रुपया लिया है। ना आज तक इस सवाल को मीडिया ने उठाया, ना किसी नेता ने उठाया, और इस बात को मैं मीडिया से कहना चाहूँगा कि गंभीर रूप से देखें, ब्लॉक के ठीक सामने सरकारी बिल्डिंग के सामने 20 लाख रुपया लेकर SDM दातागंज ने कब्जा कराया है और इन तीनों को ज़बरदस्ती गिरा दिया है। आपकी दुकान में क्या मामला हुआ था? हमारे मामले में मामला नहीं हुआ, जहाँ से चिन्ह लगाया वहाँ तक हमारे ऊपर सौदा रखी थी, फिर भी उन्होंने अपने सब लोगों ने आए थे भाई थे, तो बाल्टी बाल्टी सब फैल गई, कलर पलर सब फैल गया, वहाँ की जहाँ पर तोड़ने लायक थी वहाँ पर उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया।
आपके यहाँ पर ही ये पक्षपात किया गया है या और भी जगह पे किया गया है? हमारी मार्केट ही में किया गया है, बाकी हमारा जबकि इधर से रोड से काफी नाप लो उससे भी अंतर कितना रोड है, फिर भी ना जहाँ पर रोड घिरा हुआ है वहाँ पर कुछ नहीं किया उन्होंने, यहाँ पर जो सही था वहाँ पे उन्होंने लाओ यहाँ ये तोड़वाए, ये लोग इन्हीं लोगों को है और बाकी और कोई मार्केट में नहीं, जहाँ पर मार्केट जहाँ पर हाले पूरे घेर रखे हैं वहाँ पर कोई नहीं उंगली लगा रहा है, ना कोई प्रशासन लगा रहा है ना कोई लगा रहा है, बाकी इन्हें देख लिया नहीं, गरीब लोग हैं दुकानदार यहाँ पर लाओ इन्हीं को बर्बाद करो, सब ताला माल हमारा सब फैल गया, सब बाल्टी फैल गई समझे, सब दुकान की टीन फीन अटन फटन सब सारे सुखानाश कर दिया।